निर्भया के दोषियों को डेथ वारंट जारी करने को लेकर दिल्ली की पटियाला हाउस में सुनवाई 7 जनवरी तक के लिए टाल दी गई है, जबकि इससे पहले दिल्ली में हुए निर्भया कांड के 4 दोषियों में से एक अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका को जस्टिस भानुमति की अध्यक्षता वाली नई बेंच ने खारिज कर दिया है। बेंच के अन्य सदस्य जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस बोपन्ना हैं। दिल्ली कोर्ट में इंसाफ की गुहार लगाती निर्भया की मां भावुक हो गईं। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपके साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, हम जानते हैं किसी की जान चली गई है, लेकिन दोषियों के भी अधिकार हैं। हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन हम भी कानून से बंधे हैं।